अपने भाव व्यक्त करें। श्री हेमंता बिस्व शर्मा। भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए सारे अतिथिगण, मैं असम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम जब असम में जीएसटी का रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है, आपने हम लोगों को बोला था कि ए फॉर असम। आज यही आपका जो वाक्य था, इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूं। असम को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके भारतवासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था। लोग जब कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका निरंतर उत्तर पूर्व का भ्रमण, आपका असम वासियों और उत्तर पूर्व के लिए आपका अगाध प्रेम का कारण आज भारत का सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन का पहला दिन ही असम को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। असम वासी और उत्तर पूर्व आपको हमेशा याद करेगा। एक देश का जो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, एक नेग्लेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का पहला शरण में लेके आया, ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है। मैं पूरा असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन में कोई भाषा नहीं है, मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूं, मैं असम में ही जन्म लिया हूं, कभी मैं सोचा भी नहीं कि असम विल बी द अमंग द वन ऑफ द फास्ट स्टेट इन सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन। ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ, असम वासी आपको कभी नहीं भूलेगा। असम का इतिहास में और असम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा, आपका प्रेम का कारण, आपका महानता का कारण। और हमें भी, हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि असम जो आपने असम का ऊपर ट्रस्ट रिपोज किया है, कॉन्फिडेंस रिपोज किया है, उसका माइल्ड, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें मार्गदर्शन किया, कैसे शुरू करना है, कहां से क्या लाना है, सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टाटा सन्स का साथ असम का बहुत बड़ा संबंध है, ये आज से ये संबंध नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है। और टाटा ने ही ये हिम्मत किया जियोग्राफिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखरन जी और तमाम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप एकदम बहुत बढ़िया असम में इकोसिस्टम मिलेगा। और आपको, आपको कभी, आपने जो ये सिद्धांत लिया, इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा, आपको खुशी होगा, आपको अच्छा लगेगा कि यू हैव चूजन ए करेक्ट डेस्टिनेशन एंड चूजिंग नॉर्थ ईस्ट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट रीजन एंड ग्रेट नेशन। प्रधानमंत्री जी, हमारा सामने लाखों लोग मौजूद हैं, सब आपको दोबारा अभिवादन करते हैं। और असम का इतिहास हमेशा एक आपको युग पुरुष का नाते आपको हमेशा याद करेगा, मेरा कोई भाषा नहीं है,
मैं खाली आपको धन्यवाद देता हूँ दिल से, असम वासियों का दिल से। भगवान आपको लंबी आयु दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है आपका मार्गदर्शन में, आपका हाथ में ही भारत माँ विश्व गुरु बने, यही मेरा कामना है, यही मेरा, यही हम लोग का आशा है। और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूर्व को आशीर्वाद देते रहे, असम को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।